अभी हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स के चार्ट। तो देखिए टाटा मोटर्स में ये जो पिछला स्विंग है हमारा था, ये हाई ठीक है, ये हाई ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यह रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा था। यहाँ पे जैसे आता था, देखिए इतना बड़ा फॉल, यहाँ पे जैसे आया इतना बड़ा फॉल दिखा, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, अभी इस रेजिस्टेंस जोन में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करने आया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे एक पुल बैक मिल रहा है जैसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। ठीक है, ये सपोर्ट बन गया है जो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर थोड़ा इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे डाल देंगे। अगर इसके नीचे आता है तो उसके बाद हम प्राइजेक्शन देखिए शॉर्ट का प्लान करेंगे। फिलहाल शॉर्ट को इग्नोर करना है, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर निकलता है लॉन्ग साइड ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं।